ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये
नष्ट प्राय शोभद्रेशो नष्ट नष्ट प्राय प्राय शोभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी सदा प्रणाम सत प्रणाम। और पहले श्लोक से शुरू करते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि दक्ष क्या करता है और क्यों उसने नारद को श्राप दिया था। श्री शुक उवाच तस्याम च पांच जन्या तस्याम च पांच जन्या वै विष्णु माया उपब्रह्मितः हर्यश्व संज्ञान अयुतम पुत्रान अजयन अजयन अजनय अजनयत विभुः अजन अजनयत विभुः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुका उवाच श्री शुको शुक तस्याम स पांच जन्याम वै विष्णु विष्णु माया उपब्रह्मितः माया हर्यश्व संज्ञान अयुतम उपब्रह्मितः पुत्रान अजनयत विभुः। पुत्रान सुगावाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्याम उस सह प्रजापति दक्ष पांच जन्या पांच जननी नामक अपनी पत्नी वह निश्चित ही विष्णु माया उपब्रह्मिता भगवान विष्णु की माया द्वारा सक्षम बनाया गया हरियस्व संज्ञान हरियस्व नामक जो पहले पुत्र थे उनका नाम हरियस्व रखा गया, मतलब एक ग्रुप हरियस्व। अय तुम 10,000 पुत्रान पुत्रों को अजनयत जन्म दिया विभु शक्तिशाली धुनि से। ये हर एक के बस का नहीं है 10,000 पुत्र को जन्म देना। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री श्री सुखदेव गोस्वामी सुखदेव ने गोस्वामी ने कहा कहा भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर भगवान विष्णु की भगवान माया से ज्ञान होकर होकर प्रजापति दक्ष ने प्रजापति दक्ष पांच जनी पांच जनी हाँ उसका नाम क्या था अशिकनी के अशिकनी गर्भ से गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। 10,000 हे हे राजन, राजन ये पुत्र हरियस्व कहलाए। ये पुत्र कृष्ण अपृथक् धर्म शीला ते सर्वे दाक्षायणा नमः नृपः पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचीं प्रययुः दिशम्। मेरे साथ अपृथक् धर्म शीला ते सर्वे अप्रतिशीलस्ते दाक्षायणा नृपः सर्वे पिता पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचीं प्रययुः प्रयुयुः दिशम् दिशम् अपृथक् एक समान धर्मशीला अच्छा चरित्र तथा स्वभाव ते वे सर्वे सभी दाक्षायणा दक्ष के पुत्र नृप हे राजन पितरा पिता द्वारा प्रोक्ता आदेश दे गए प्रजा सर्गे जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रतीचिम पश्चिमी प्रययुः वे गए दिशम दिशा पश्चिमी दिशा में चले गए। पिता ने कहा तपस्या करके आओ क्योंकि तुमने संतान उत्पन्न करनी है। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन हे राजन राजन प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र
प्रजापति सारे पुत्रों के समान रूप से समान रूप से अत्यंत विनम्र अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति प्रति आज्ञाकारी थे। आज्ञाकारी थे। जब उनके पिता ने जब उनके पिता ने संतानें उत्पन्न करने के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया तो उन्हें आदेश दिया तो वे सभी वे सभी सभी पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। पश्चिम हाँ, आप ये ब्रीफ में बताया है, आप ये मत समझिए कि पैदा हुए और उनको कहा जाओ बच्चे पैदा करने के लिए तपस्या करके आओ। वो बड़े हुए, पैदा हुए होंगे, बड़े होंगे, इस लायक हो गए होंगे कि वो पैदा, तब तो ये ऐसा नहीं है कि वो छोटे उम्र के थे तब गए, लेकिन ऐसा नहीं, पैदा होते ही नहीं गए, ऐसा दिमाग में मत लाइए। तीसरा श्लोक है, तत्र नारायण सरस्वती नारा सॉरी सॉरी तत्र नारायण सरह तीर्थम सिंधु समुद्रयो संगमो यत्र सुमहन मुनि मुनि सिद्ध निसेवितम्। मेरे साथ पढ़िए, तत्र नारायण सरह तीर्थम नारायण सिंधु समुद्रयो सिंधु समुद्रयो संगमो यत्र सुमहन संगमो यत्र मुनि सिद्ध निसेवितम्। सिद्ध शब्दार्थ है, तद उस दिशा में जहां वो गए, नारायण सर नारायण सरस नामक झील थी, एक पवित्र स्थान था, तीर्थ स्थान समझे, तीर्थम अत्यंत पवित्र स्थान। सिंधु समुद्रयो सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम भी था वह। संगम संगम या संगम क्या होता है? सिंधु नदी समुद्र में गई, ये सब। यत्र जहां सुमहत अत्यंत महान मुनि मुनियों सिद्ध तथा सिद्ध मुनि द्वारा निवेशितम रहते हुए वहां साधु लोग रहते थे, क्योंकि वो पवित्र स्थान था, तीर्थ स्थान था। मेरे साथ पढ़िए, पश्चिम में पश्चिम में जहां सिंधु नदी सागर से मिलती है, नारायण नारायण सरस नामक नामक एक महान तीर्थ स्थान है। एक वहां पर अनेक मुनि तथा महान आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य अन्य लोग रहते हैं, लोग रहते लोग रहते उस समय की बात। तद उपस्पर्श उक्त उपस्नाद एव विनिर्धूत मल आशया धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्न मतयो अप्युत अप्युत या अप्युत ते पिरे तब एवाग्रम पित्र आदेश यंत्रिता प्रजा विवृद्धये यत्तान देवर्षि तान ददर्श ददर्श। देख लिया नारद, नारद ने देवर्षि मतलब देवर्षि नारद। मेरे साथ पढ़िए, तब उपस्पर्शनाद एवं विनिर्धूत विनिर्धूत मल आशया मल आशया धर्मे पारम हंसे च प्रोत्पन्न मतयो अप्युत। प्रोत्पन्न मतयो अप्युत
तेपिरे तव एवाग्रम पितृ आदेशेन यन्त्रिता प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षि हि तान् ददर्शः शब्दार्थ है तत् उस तीर्थ स्थान का उपस्पर्श स्नान उस जल में स्नान करने से या इसे छूने से एवं केवल विदित धूत पूर्णतया धुल गए मल आशया जिनकी अशुद्ध इच्छाएं धर्म अभ्यासों को पारमहंस सर्वोच्च संन्यासी द्वारा संपन्न च भी प्रोत्पन्न अत्यधिक उन्मुख मतयः जिनके मन अपि उत यद्यपि ते पिरे उन्होंने किया तप तपस्या एवं निश्चय ही उग्रम कठिन पितृ आदेशेन अपने पिता के आदेश से यंत्रिता लगाए गए प्रजा विवृद्ध है जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से तपस्या यह तान तैयार देवर्षि नारद ऋषि तान उनको तदर्श देखा निसंदेह मेरे साथ पढ़े उस तीर्थ स्थान में हरियस्व गण नियमित रूप से नदी का जप नदी का जल स्पर्श करने और उसमें स्नान करने लगे और धीरे धीरे अत्यधिक शुद्ध हो जाने पर वे परमहंसों के कार्यों के प्रति उन्मुख हो गए फिर भी क्योंकि अगर परमहंसों के कार्य से उन्मुख हो गए तो वो तो ये फैमिली लाइफ में जाएंगे ही नहीं जो परमहंस से खुश हो गया वो तो परमहंस बनने की तरफ जाएगा फिर भी इसने लिखा फिर भी चूंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था अतः पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की एक दिन जब महर्षि नारद ने इन बालकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तम तपस्या करते देखा तो वे उनके निकट आए उनका कल्याण कर दिया नारद ने जिसको देख लिया नारद के हाथ जिसके सिर पर आ गए हो गया उसका कल्याण तो ये हुआ नारद ने देखा और नारद ने देखा ये तो इतने तपस्वी हैं क्या काम है जनसंख्या बढ़ाना इनका काम तो भगवत धाम जाना है भगवान की सेवा करना ये हुआ उवाच च अथ हरियस्वा कथम सक्षत वै प्रजा अदृष्ट्वान्तं भो यूयं बालिशाबत पालका तत एक पुरुषं राष्ट्रं भिलं च अदृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं च अपि पुमांसं कुञ्चलीपतिं नदीं उभयतो वाहां पंच पंच अद्भुतं गृहं क्वचिद् क्वचिद् हंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं मेरे साथ पढ़िए उवाच च अत हरियस्वा
कथम साक्षात वै प्रजा कथम साक्षात वै प्रजा अदृष्ट्वान्तं भुवो योऽयम् बालिशाबत पालकाः तथैक पुरुषं राष्ट्रम् बिलं च अदृष्ट निर्गमम् बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुञ्चलीपतिं नदीम् उभयतो वाहाम् पञ्च पञ्च अद्भुतं गृहम् क्वचिद् हंसं चित्रकथम् पव्यं स्वयं रमि शब्दार्थ है उवाच उसने कहा च भी अथ इस प्रकार हर्यश्व हे हर्यशो प्रजापति दक्ष के पुत्रो नारद कथम क्यों सक्षत उत्पन्न करोगे वह निसंदेह प्रजा संतान अदृष्टा बिना देखे अंतम अंत हुआ इस पृथ्वी का यूयम तुम सभी बालिशा अनुभवहीन वत आय पालका यद्यपि शासन चलाने वाले राजकुमार तथा उसी तरह की एक एक पुरुषम मनुष्य राष्ट्रम राज्य भिलम छेद च भी अदृष्ट निर्गमम जिससे कोई बाहर नहीं आ रहा बहुरूपम बहुरूपाम अनेक रूप धारण करते हुए स्त्रियम स्त्री को च तथा अपि भी पुमान सम मनुष्य को कुंचली पति वैश्या का पति नदीम नदी को उभयतः दोनों ओर से वहां बहती है पंच पंच पांच गुणित पांच पच्चीस अभ्युतम आश्चर्य ग्रहम घर क्वचित कहीं पर हंसम हंस चित्र कथम जिनकी कथा विचित्र है क्षौर पव्यम तेज सुरों तथा वज्रों से बना स्वयं स्वयं भ्रमी घूमने वाला नारद ने ऐसा उनको कह दिया वो कंफ्यूज हो गए उसी के ऊपर सोचने लगे मेरे साथ पढ़िए महामुनि नारद ने कहा हे हरियस्व तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहाँ पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी कभी निकल कर बाहर नहीं आता वहाँ वहाँ पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमारगिनी कुमारगिनी मतलब गलत मार्ग जाने वाली असाध्वी है वह नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है और वहाँ जो पुरुष रहता है और वहाँ जो पुरुष रहता है वो उसका पति है उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है जो दोनों दिशाओं में बहती है ये भी
ताजुब है, दोनों दिशाओं में नदी कैसे बह सकती, तो ये सोचने की बात है। ऐसा गुड़ बात नारद ने कह दी। 25 पदार्थों से बना हुआ, 25 पदार्थों से पदार्थों से बना बना हुआ हुआ एक अद्भुत घर है, एक अद्भुत एक हंस है, एक हंस है, एक हंस है, जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है, जो नाना प्रकार की दुनिया करता और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है, और एक स्वतः घूमने घूमने वाली वाली वस्तु है, वस्तु जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनी है, दो तेज जो छुरों तेज तथा छुरों वज्रों से तथा वज्रों से बनी है। बनी है। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा, तुम लोगों तुम ने लोगों इन सबों को को नहीं देखा, देखा, इसलिए तुम लोग इसलिए तुम इसलिए लोग तुम उच्च ज्ञान से रहित, ज्ञान से अनुभवहीन रहित बालक हो, अनुभवहीन बालक तो फिर तुम किस तरह हो, तो फिर किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? संतान संतान उत्पन्न उत्पन्न करोगे। करोगे, बहुत ही पवित्र पवित्र बच्चों का दिमाग घुमा दिया नारद ने। तात्पर्य, अभी इसके सब चीज अजीब लग रहा है आपको, सब एक एक चीज करके आएगा। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा, संदीप प्रभु जाप पढ़ रहे हैं। माता जी ठीक है, बिजी मैं हैं पढ़ माता जी। जी मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। नारद मुनि ने देखा कि हरियश्व नामक बालक पहले से शुद्ध हो चुके थे, क्योंकि वे तीर्थ स्थान में रह रहे थे और वे एक तरह से मुक्ति पाने ही वाले थे। तो फिर उन्हें उस गृहस्थ जीवन में बनने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाए, जो इतना अंधकारमय है कि एक बार प्रवेश करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस रूपक के माध्यम से नारद मुनि ने उन्हें इस पर विचार करने के लिए कहा कि गृहस्थ जीवन में बनने के लिए उन्हें अपने पिता के आदेश का पालन क्यों करना चाहिए। परोक्ष में नारद मुनि ने उनसे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा या भगवान विष्णु की स्थिति ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि तभी वे सही अर्थ में अनुभवी होंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता, वह अधिकाधिक माया में बद्ध होता है। नारद मुनि का उद्देश्य प्रजापति दक्ष के पुत्रों का ध्यान सामान्य किंतु प्रजनन के जटिल मामलों में न उलझाकर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर मोड़ना था। ऐसी ही सलाह प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को दी। श्रीमद् भागवत 7.5.5। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियम असद्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। गृहस्थ जीवन के अंधकार पूर्ण कुएं में मनुष्य सदैव चिंताओं से भरा रहता है, क्योंकि वह नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि मनुष्य अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है, तो उसे तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग कर वृंदावन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नारद मुनि ने हरियश्वों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करने की सलाह दी, क्योंकि वे पहले से आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे, तो फिर वे इस तरह क्यों बद्ध हो। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि नारद मुनि देख करके समझ जाते थे कि ये भगवान का परम भक्त बनेगा या परम भक्त होने के लायक है। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को कहा, घर जाओ, अभी छोटे हो, बाद में इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी घर जाओ। उनको पता था ये मानने वाला नहीं है, जब वो बहुत ही जिद किया तो बताया ये करो, उसको दीक्षा दी क्या करना है, और इतना महान भक्त बना भगवान का। वैसे ही प्रहलाद महाराज के जब वो गर्भ में थे, तब 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 ही उनको आशीर्वाद दिया अपना, इतना महान भक्त हुआ भगवान का। तो नारद नारद जिसके पीछे पड़ जाते, और नारद को लगा ये तो इतने शुद्ध हैं, ये गृहस्थ में क्यों जाना है इनको। गृहस्थ तो ऐसा है
शुद्ध से अशुद्ध की तरफ जाना है। जब आप ग्रस्त में जाते हैं तो सारी अशुद्धियां सारे बल आपके अंदर आते हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी क्यों आते हैं, क्यों हम ग्रस्त जीवन में फंसते हैं, और वहां पर ये जरूरी है। आपको कहीं पर गुस्सा करना जरूरी है ग्रस्त में, अगर कोई गलत कर रहा है तो कहीं कहीं पर आप बहुत उग्र हो जाते हैं। तो बहुत चीजें हैं जो आप समझते हैं इन चीजों को। ग्रस्त जीवन में रह करके आप सत्वगुण में रह गए तो गजब, बहुत ही तारीफ की बात है। नहीं तो जो लोग भौतिक जगत में हैं, अच्छे लोग हैं तो रजोगुण में हैं अच्छे लोग, और बहुत अच्छे लोग सत्वगुण मिल ढूंढ के टॉर्च से ढूंढिए, बड़े मुश्किल से मिलेंगे सत्वगुण। रजोगुणी हैं सारे जो अच्छे लोग हैं आपको। हाँ, या अच्छे आदमी से आज मुलाकात हुई, इसका मतलब रजोगुणी। सतोगुणी तो हो ही नहीं सकता, इतना कठिन है सतोगुण में जाना। आपने, मैं कहता हूं, समम दम तप, क्या था, शौचम चा, ये 18वें अध्याय का 42वां श्लोक भगवद गीता के। ये 9 गुण चाहिए जब सतोगुण में आता है व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण का मतलब सतोगुण। 9 गुण चाहिए उसमें, वो शांति प्रिय होना चाहिए, वो संयम वाला होना चाहिए, वो तपस्वी होना चाहिए, वो ये सारे गुण, और सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए, और उसमें ज्ञान विज्ञान और धर्म धार्मिक होना चाहिए। ये ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं, मतलब सतोगुण। ये पाना, सतोगुण में आना बहुत ही कठिन है। मैं कहता हूं जब आप क्लास में होते हैं शायद आप सतोगुण में होते हैं, क्लास से बाहर निकले एकदम आपका जो संपर्क है वो तमोगुणी लोगों से होता है, तो आपको सतोगुण से एकदम रजोगुण में जाना पड़ेगा। डील करना है उसको, उस आदमी जो तमोगुण में है उससे डील करना है, तो आपको थोड़ा कभी गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको गुस्सा आने का मतलब ब्राह्मण तो सतोगुण तो छूट गया ना। तो ये इतना कठिन है। और ये जो बालक हैं, ये 10,000, इनमें तो वो गुण भी नहीं है, इतने शुद्ध हैं वो। नारद तो समझ गए, तो कहते हैं इनको क्यों लगाना है इधर, संतान उत्पन्न तो कोई भी कर सकता है, इनको तो भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये उनके दिमाग में आया और उनको ऐसा बताया, और भी बताते हैं उनको कि तुम्हारे पिता ने तुमको बताया नहीं, बोल ऐसे भी कंफ्यूज हो गए बच्चे। तो ये उनको दिमाग में आया, अब क्या कहते हैं उनसे। कथम स्वपितुः आदेशं विद्वांसो विपश्चितः अनुरूपम अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यतः। मेरे साथ, कथम स्वपितुः आदेशं, कथम स्वपितुः अविद्वांसो विपश्चितः। आदेशं अनुरूपम अनुरूपम अभिज्ञाय अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यतः। करिष्यथा। और फिर क्या कहते हैं नारद, सुनिए, कथम, किस तरह, स्वपितुः, अपने पिता का आदेशम, आदेश, अविद्वांस, अज्ञान, विपश्चित, प्रत्येक बात जानने वाला, कौन, तुम्हारा पिता, अनुरूपम, तुम्हारे अनुरूप, अभिज्ञाय, बिना जाने, अहो, हाय, सर्गम, सृष्टि, करिष्यतः, तुम करोगे। हाय, मेरे साथ पढ़िए। हाय हाय तुम्हारा पिता जो सर्वज्ञ है,
तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ क्या है? किंतु किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं जानते, किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं उनके जानते, असली आदेश को नहीं जानते, अपने अपने पिता के असली उद्देश्य को जाने बिना, पिता के पिता असली पिता के उद्देश्य को असली उद्देश्य बिना को जाने बिना तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? तुम किस तुम तरह किस संतान उत्पन्न संतान करोगे? करोगे? हरे हाँ, अब क्या कृष्णा। कहा? अब बच्चे तो कंफ्यूज हो गए उनके दिमाग में, कि ये क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं। अब सुनिए, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। श्री शुक वाचा जी तत्निशम्य अत हर्यस्वा औत्पत्ति का मनीषया वाच कूटम तु देवर्षे स्वयं भीमृशुधिया। मेरे साथ श्री शुका वाचा तत् श्री शुक्रवाच निशम्य अथ हर्यस्वा तदिशम्यतः औत्पत्ति हरे स्वाहा का मनीषया औत्पत्ति का वाचः मनीषया कूटं तु देवर्षे स्वयं वाचम विमर्मृशुः कूटम धिया। स्वयं विमर्मृशुः धिया विमर्मृशुः धिया। स्वयं विमामृशु धिया शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत् वह निशम्य सुनकर अत इसके बाद हर्यश्वा प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र औत्पत्ति का स्वभावतः जागृत मनीषया विचार करने की शक्ति होने से वाचा वाणी का कूटम आसानी से समझ में न आने वाली बात तू लेकिन देवर से नारद मुनि की स्वयं स्वयं भीमर भीमृश विचार किया धिया पूरी बुद्धि से उस पर विचार किया कि क्या कह क्या रहे हैं। इतनी कठिन बात नारद ने कही जो स्पष्ट नहीं थी, तो सोचने लगे। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री श्री गोस्वामी ने कहा नारद नारद मुनि के गूढ़ शब्दों को सुनकर नारद मुनि के मुनि गूढ़ के शब्दों मूल को सुनकर शब्दों को हर्यशो ने अपनी हर्यशो ने अपनी अपनी स्वाभाविक बुद्धि से स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना दूसरों विचार से सहायता लिए बिना किया, विचार विचार किया 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 क्योंकि बालक बहुत बुद्धिमान थे, ने किसी से पूछा नहीं, खुद सोचा है क्या इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अच्छा, भूः क्षेत्रम जीव संज्ञम यद नादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम सत्कर्म किम 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 असत कर्म, वही मैं सोच रहा था असत आना चाहिए, किम असत कर्म भी भवे। अब ये अब आप देखेंगे किम असत कर्म भी भवे, ये आता जाएगा क्योंकि आप वही सोच रहे हैं इसका क्या फायदा, ये करने का क्या फायदा, ये करने का क्या फायदा। अब उनके दिमाग में ये चला गया। मेरे साथ पढ़िए, भूः क्षेत्रम जीव संज्ञम भू यद क्षेत्रम जीव अनादि संज्ञम निज बंधनम अदृष्ट्वा अदृष्ट्वा तस्य निर्माणम किम निर्वाणम असत कर्म भी भवे। शब्दार्थ भवे है भू पृथ्वी क्षेत्रम कार्य क्षेत्र जीव संज्ञम कर्म के विभिन्न फलों से बंधने की आध्यात्मिक जीव की उपाधि। उपाधि क्या है? फंसने वाला जीव।
यत जो अनादि अनादि काल से विद्यमान निज बंधनम अपना ही बंधन उत्पन्न करके अदृष्ट्वा देखे बिना तस्य इसका निर्वाणम अंत किम क्या लाभ किम यही पूछते हैं क्या लाभ असत कर्म भी क्षणिक कर्मों से सकाम कर्मों से क्या लाभ भवे हो सकता है क्या लाभ हो सकता है ये सकाम कर्मों से ये सोचते रहे मेरे साथ। हर्य सुने नारद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा। हरे हरे सुने सुने नारद नारद के के शब्दों शब्दों का का अर्थ अर्थ समझा। इस प्रकार समझा। समझा। भू शब्द कर्म क्षेत्र का द्योतक है। भू शब्द भू कर्म शब्द क्षेत्र कर्म का क्षेत्र का द्योतक यह भौतिक शरीर है। यह भौतिक शरीर भौतिक शरीर जो मनुष्यों के कर्मों का फल होता है जो मनुष्य के कर्मों का मनुष्य फल भौतिक होता शरीर है का जो जो मनुष्य होता है फल होता उसका है कर्म क्षेत्र है। उसका कर्म उसका क्षेत्र कर्म है। क्षेत्र है। आपने भगवद गीता में 13वें अध्याय में पढ़ा है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञात। तो ये शरीर हमारा क्षेत्र ज्ञात ये कर्म क्षेत्र है और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। और ये और उसे झूठी उसे उपाधियां झूठी देता है। उपाधियां उपाधियां देता देता है। ये शरीर आपको बोलता है ना मैं ये हूं मैं ये हूं मैं ये हूं और हो आप कुछ भी नहीं क्योंकि जिस दिन आपकी छुट्टी हुई आप जीरो हो गए कहाँ थे कहाँ तो उपाधि गड़बड़ है। ये तो ये उसे झूठी उपाधियां देता है पढ़िए। और यह उसे झूठी उपाधियां देता है और और भाई उसे उसे झूठी झूठी उपाधियां देता है। उपाधियां देता है। ये शरीर है अनादिकाल से अनादिकाल से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के मनुष्य मनुष्य को को विभिन्न प्रकार के प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं। भौतिक शरीर शरीर प्राप्त होते प्राप्त रहे हैं। होते रहे हाँ देखो इतना ज्ञान बच्चों को है अभी वो सोच रहे हैं कभी जो 84 लाख में घूमते रहते हैं इतने शरीर प्राप्त होते हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल हैं। जो और जो भौतिक जगत से भौतिक बंधन जगत के के मूल है। मूल हाँ हैं। यही कारण है क्योंकि हम हो जाते हैं सकाम कर्म। यदि कोई मनुष्य यदि कोई यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश मूर्खतावश क्षणिक सकाम सकाम कर्मों में कर्मों में अपने को लगाता है अपने को अपने को लगाता है लगाता है लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता और इस और इस बंधन को बंधन समाप्त करने समाप्त की ओर करने नहीं की देखता। ओर हाँ नहीं देखता किम असत कर्म भी भवे तो उसको कर्मों का क्या लाभ मिलेगा। तो उसको कर्मों का उसको क्या लाभ उसको क्या मिलेगा। लाभ उसको मिलेगा क्या उसको क्या लाभ लाभ मिलेगा। मिलेगा। हाँ अब यही चलता रहेगा ये यही चीज बार बार ये सोचते रहे ऐसा करेगा तो उसका क्या लाभ होगा ऐसा करेगा तो क्या लाभ होगा। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जय। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यशों से रूपक शैली में 10 विषयों की चर्चा की राजा राज्य नदी घर भौतिक तत्व इत्यादि। इन सबों पर स्वयं विचार करने के बाद हर्यश यह समझ सके कि जीव अपने शरीर में बंदी बनकर सुख ढूंढता है किंतु जब इसमें रुचि नहीं लेता कि इस बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव विशेष प्रकार का विशेष शरीर प्राप्त करने से अत्यंत सक्रिय हैं। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन काम करता है और शुकर और तथा कुकर जैसे पशु भी इंद्रिय तृप्ति हेतु दिन रात कार्य करते हैं। पशु पक्षी तथा अन्य सारे बद्ध जीव शरीर के भीतर बंदी आत्मा को जाने जाने बिना विविध कार्यों में लगे रहते हैं। विशेषतया मनुष्य शरीर पाकर उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह इस तरह कर्म करे कि वह अपने को इस बंधन से छुड़ा सके। किंतु नारद या उनकी परंपरा के उनके प्रतिनिधि के उपदेशों के बिना लोग माया सुख भोगने के लिए अंधाधुंध शारीरिक कार्यों में लगे रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि अपने भौतिक बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। इसलिए श्री सखदेव ने कहा है कि ऐसा कर्म तनिक भी उत्तम नहीं है क्योंकि यह आत्मा को बारंबार शरीर के बंधन में डालता है जो 3 प्रकार के तापों के अधीन है।
प्रजापति दक्ष के पुत्र हरियश तुरंत ही नारद के उपदेशों का तात्पर्य समझ गए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतः ऐसे ही प्रबोधन के लिए है। हम लोग मानवता को प्रबुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे लोगों को यह ज्ञान हो कि उन्हें आत्म साक्षात्कार तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के निरंतर बंधन से मुक्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु माया अत्यंत प्रबल है, वह इस ज्ञान के मार्ग में रोड़े अटकाने में दक्ष है। इसलिए कभी कभी मनुष्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ जाता है, किंतु इस आंदोलन के महत्व को न समझने से वह पुनः माया के चंगुल में फंस जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, समझ गए ये, जैसे ये बच्चे समझ गए कि इससे क्या लाभ है, अभी वो और भी बताएंगे। और इसी तरह किसी को ज्ञान होता, हाँ ये तो है, तो सब बहुत बढ़िया, आप गए, आपने प्रवचन सुना, कोई बहुत अच्छा प्रवचन दिए, सुना ये तो बहुत ही अच्छा लगा, उसके बाद फिर हाथी का स्नान। ये चक्कर है, क्यों आपकी गलती है? नहीं, माया माया इतनी स्ट्रांग है आपको निकलने नहीं देती, क्योंकि बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव हैं, हम माया के अंदर हैं, प्रकृति के तीन गुणों से ऐसे लपेट के रखा हमको, कोई कुछ कह दे हमको समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा, बिल्कुल नहीं समझ आता। कोई अगर आपको अभी कहे, आप अपने घर में बैठे हैं, ये बाहर ये एक दरवाजा है, इधर से जाइए, वैकुंठ का दरवाजा, सीधे निकल जाइए, छोड़ दीजिए इस संसार को, आप कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि माया इतने जुड़े हैं आप इस जगत से, जब जो आपका है ही नहीं, आप सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, कैसे है आपका, नहीं है। लेकिन ये अगर आप माया में हैं, भौतिक जगत में हैं, सकाम कर्मी हैं, बिल्कुल आपका है, आप हैं, आपका घर है, वो आपका, बच्चे आपके, पति आपका, सास ससुर आपके, माँ बाप आपके, रिश्तेदार आपके, दोस्त आपके, वो जगह आपकी, वो ऑफिस आपका, ये है माया का बंधन, ये एक्चुअली है ही नहीं, जो है नहीं उसको समझना, उसको माया कहते हैं। तो हम ऐसे फंसे हुए हैं, तो ये उनको अब समझ आने लगा, एकदम वो विचार के, उन्होंने एक श्लोक ऐसा बोल दिया नारद ने, तो वो उस पर अटक गए, अब उसी को सोच रहे हैं कि अगर ऐसे करें ऐसे करें तो ये क्या फायदा, इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा, अब यही आएगा, किम असत कर्म भी भवे, 12वां श्लोक पढ़ रहा हूं, एक एव ईश्वर तुरियो भगवान स्व आशय पर तम दृष्ट्वा अभवं पुंसः किम असत कर्म भी भवे। सब मेरे साथ पढ़िए, एक एव ईश्वर तुरियो, एक एव ईश्वर तुरियो भगवान स्व आशय पर भगवान तम दृष्ट्वा अभवं पुंसः किम असत् कर्म भी भवे। शब्दार्थ है एक एक एव निसंदेह ईश्वर परम नियंता तुर्य, तुर्यो पढ़ा मैंने, क्योंकि तुर्यो और तुर्य एक ही चीज है, चतुर्थ दिव्य अवस्था तुरीय भगवान, भगवान स्व आश्रय स्वतंत्र अपना ही आश्रय होने से, परह इस भौतिक सृष्टि से परे, तम उसको अदृष्टा बिना देखे, अभवम जो उत्पन्न नहीं हुआ, पुंसः मनुष्य का किम क्या लाभ, असत कर्म भी क्षणिक सकाम कर्म से भवे हो सकता है, इस सकाम कर्म से के क्षणिक सकाम कर्म से क्या लाभ हो सकता है, ये सोच रहे हैं। मेरे साथ नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य है
जहाँ केवल एक नर है, जहाँ जहाँ केवल एक एक नर नर है। हर्यशो ने इस कथन का आश्रय हर्यशो की आशय की अनुभूति हर्यशो ने हुई, इस कथन के आशय की अनुभूति हुई ना कथन के हर्यशो आशय की को अनुभूति इस हुई कथन के आशय की अनुभूति हर्यशो को हुई, इस कथन के आशय की अनुभूति हुई इस इस कथन के कथन के आशय आशय की अनुभूति हुई। की हाँ, एक अब पढ़िए, एकमात्र भोक्ता भगवान है, एकमात्र एकमात्र भोक्ता भगवान है, भगवान है, जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं, जो हर वस्तु को को हर जगह वे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, देखते हैं, वे वे षड षड ऐश्वर्यों ऐश्वर्यों से से पूर्ण पूर्ण है है, और अन्य सबों से पूर्णतया स्वतंत्र है, और और अन्य अन्य सबों से सबों से सबों पूर्णतया से वे कभी भी भौतिक प्रकृति के वे कभी भी तीन भौतिक प्रकृति गुणों के तीन से प्रभावित नहीं होते, गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि क्योंकि वे सदा से वे सदा इस से भौतिक सृष्टि से परे रहे हैं, इस इस भौतिक भौतिक सृष्टि सृष्टि से से परे परे रहे रहे हैं। हैं। यदि मानव समाज के सदस्य यदि यदि मानव मानव समाज समाज के के सदस्य सदस्य ज्ञान ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से ज्ञान तथा तथा कर्मों के प्रगति के माध्यम से कर्मों के माध्यम से उन परम पुरुष को नहीं समझते, परम उन परम परम पुरुष को पुरुष नहीं को नहीं समझते, समझते, बल्कि क्षणिक सुख के लिए, बल्कि बल्कि क्षणिक क्षणिक सुख सुख के के लिए लिए रात दिन रात कुत्ते बिल्लियों की तरह ने बिल्लियों की तरह अत्यधिक अत्यधिक कठोर श्रम करते हैं, तो कठोर अत्यधिक श्रम कठोर श्रम करते करते हैं तो करते हैं तो उनके कार्यों से क्या लाभ, उनके उनके कार्यों कार्यों से क्या लाभ। से क्या हाँ, लाभ। ये उनके दिमाग में चल रहा है तात्पर्य। हरे हाँ, कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी, हरे कृष्णा माता जी एडमिट करती। हाँ, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम भक्तों को। तात्पर्य नारद तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि ने ऐसे राज्य का उल्लेख किया था जहाँ केवल एक राजा है जिसका प्रतियोगी कोई नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में तथा विराट जगत में विशेष रूप से केवल एक स्वामी या भोक्ता भगवान है जो इस भौतिक जगत से परे हैं। इसीलिए भगवान को तुर्य अर्थात चतुर्थ अवस्था में स्थित कहा गया है। उन्हें अभव भी कहा, अभय या अभव भी कहा गया है। भव शब्द भू से निकला है जिसका अर्थ जन होता है। जैसा कि भगवद गीता 8.19 में कहा गया है, भूत्वा 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 प्रदीयते। इस भौतिक जगत में जीवों को बारंबार जन्म लेना और विनष्ट होना पड़ता है, किंतु भगवान न तो भूत्वा है न प्रलीयते, वे शाश्वत हैं। दूसरे शब्दों में वे उन मनुष्यों या पशुओं की तरह जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है जो आत्मा को न जानने के कारण बारंबार जन्म लेते हैं, जो लेते तथा बार बार जन्म लेते तथा विनष्ट मरते हैं। हाँ जन्म लेते थे। प्रभु जी उसमें ना वो कुछ आया है, मैं उसके लिए नहीं पढ़ने को। जन्म मरते लेते हैं। तथा मरते हैं। जी प्रभु जी, भगवान कृष्ण में ऐसे शरीर परिवर्तन नहीं होते, और जो अन्यथा सोचता है वह मूर्ख माना जाता है। अवजानन्ति माम मानुषी मूढ़ा तनुमा श्रितम। नारद मुनि यह सलाह देते हैं कि मनुष्य बिल्लियों तथा बंदरों की तरह उछल कूद में असली लाभ के बिना अपना समय व्यर्थ न गवाए। मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान को समझे। हरे अरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। अरे ओम अज्ञान तिम्रान दक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिता तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पाचारदेशतारणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।